Fat people in the audience, give me your fat people. Say, three honest people in the audience. Rest of you are very optimistic. It's okay. I'm also trying to lose weight for 25 years now. ये सिर्फ मोटे लोग समझ सकते हैं कि अगर तुम मोटे हो ना तो तुम्हारी लाइफ में वेट लॉस एक पैरेलल चीज चल रही होती है. तुम पैदा हुए वेट लॉस, तुम नर्सरी में गए पढ़ने वेट लॉस, स्कूल में गए वेट लॉस, शादी हो गई वेट लॉस, बच्चे हो गए वेट लॉस, डिवोर्स हो गया वेट लॉस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, सुख दुख आ रहा जा रहा है, वेट लॉस तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा. तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले जो हिंदुस्तानी करते मैंने वही किया, भगवान से प्रार्थना. मैं हे भगवान प्लीज इस पेट का कुछ कर. पता नहीं क्या कम्युनिकेशन में क्या तो सीन था, भगवान को पेट की जगह सुनाई दिया बाल. तब से बातचीत बंद है. उसके बाद गया मैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने आते ही सबसे पहले से पूछा कि कुछ खेलते हो क्या, खेलने से इंसान फिट रहता है, कुछ खेलते हो? बोला हाँ चेस. बोला पागल चेस नहीं, बास्केटबॉल फुटबॉल ये सब. बोला ये तो हमारी नेशनल टीम नहीं खेलती, मैं क्या खेलूंगा. फिर उसके बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला जो मैंने तो सोचा ही नहीं था, बोला जिम ज्वाइन कर लो. मैं हाँ इसलिए तो तेरे पास आया था कि तू बता सके मुझे ये. मुझे तो पता ही नहीं था ना, तो जिम ज्वाइन कर लो. तो ठीक है, तो मेरी बंदी जाके जिम की फीस भराई. एक हफ्ते बाद आके बोलती कि एक हफ्ता हो गया तुम जिम क्यों नहीं गए. मतलब ऑफकोर्स नहीं जाऊंगा, तुमने देखा जिम फर्स्ट फ्लोर पे और वहां लिफ्ट भी नहीं है. तो आके बोलता है यही तो पॉइंट है कि सीढ़ियों से भी चढ़ोगे उतरोगे तो वेट लॉस होगा. मतलब पागल फिर जिम जाने की जरूरत है, हमारी बिल्डिंग में नहीं सीढ़ियां. और कितना अजीब लगेगा सीढ़ियों से चढ़ते हो पूरा दिन, कोई 9 बजे सुबह ऑफिस जा रहा है, मैं सिर्फ चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ, कोई बच्चे को स्कूल से लेके आ रहा है, मैं सिर्फ. कितना साइको लगेगा, लोग बोले कि जब से तौर साहब का बेटा 10वीं में फेल हुआ था ना. तो डॉक्टर वापस गया, मैं ये जिम वाला तो नहीं होगा और बताओ. तो उसने बोला ये चीज़ है लाइपोसक्शन, ये करके देखो बहुत सही है. इसमें क्या होता है? बोले इसमें आपका मांस चूस के बाहर निकाल लेते हैं. मैं है हाँ, बोला मांस बाहर निकाल लेते हैं. मैं सही है, मैं बाकी सब तो ठीक है, उसके बाद मांस का करते क्या हो? बोले पता नहीं, मतलब फिर नहीं कर रहा भैंस क्या. पता पड़ा कल को मैं दोस्तों के साथ मिनी पंजाब गया हूँ. मैं नहीं पढ़ रहा. डॉक्टर ने बोला कि सर तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें ना पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड दिस बुक. इस बुक से बहुत लोगों का फायदा हुआ है. बुक इज कॉल्ड डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट. इससे बहुतों का फायदा हुआ है. बोला ऐसा है, इससे सिर्फ एक ही इंसान का फायदा हुआ, उसका नाम है रुजुता दिवेकर जिसने बुक लिखी थी, और किसी का फायदा नहीं हुआ. ये पढ़ने से कैसा वेट लॉस, ये क्या ओह ट्राइसेप्स बन गए, ओ भाई साहब ओह इसकी भी बन गई क्या, ओह मैं चूतिया काटना बंद करूँ. तो उसने बोला कि तुम खाते बहुत तेज हो, यू नीड टू फील योर फूड. तेज खाने से, मैं इसलिए मोटा क्योंकि मैं तेज खाता हूँ, बस यही. मैं कल से स्लो खाने का मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ. अगले दिन सुबह 9 बजे मैं चला गया डोमिनोज. वहां मैंने डबल चीज पिज्जा ऑर्डर किया और उसको 500 रुपए दिए. ऊपर से मैंने रात के 10 बजे तक डिस्टर्ब मत करियो. 5 दिन बाद ऑफिस गया तो फिर वेट बढ़ गया. तो डॉक्टर ने बोला था क्या खा रहे थे? मैं डोमिनोज का पिज्जा. बोला यही तो, यू नीड टू ईट स्टफ लाइक ब्रोकली कॉलीफ्लावर स्पिनच. मैं जहर नहीं खा लूँ मैं. और एक बार में बताना क्या करना है, ये इंस्टॉलमेंट में क्या बता रहे हैं. उसने बोला तू सब छोड़ भाई, तू एक चीज़ कर ले, तू जुम्बा ज्वाइन कर ले. मुझे पता नहीं था, मैं गूगल करके पहुंच गया जुम्बा. वहां देखा तो वहां जाके तो लोग नाच रहे. बोला गलत जगह आ गया, तो वहां पे एक दीदी बनियान पहन के ऐसे ऐसे कर रही थी. तो मैं दीदी से पूछा दीदी ये जुम्बा कहाँ होता है? बोले यही है जुम्बा. मैं पर इसको तो नाचना बोलते हमारे यहाँ. बोले हाँ पर अगर हम नाचना बोलेंगे तो हमें महीने के 20,000 रुपये कौन देगा? मैं हाँ कुछ सूतिया काटना भी जरूरी है. और नाच के वेट लॉस होता है, इससे बड़ा स्कैम तो कोई है ही नहीं. इंडिया के सबसे फेमस दो कोरियोग्राफर कौन है? गणेश आचार्य या सरोज खान? मैंने तो आज तक उनके सिक्स पैक नहीं देखे. और मुझे रैंडम लोगों के साथ ही नाच नाच के वेट लॉस करना होगा तो मैं जाके रोज किसी बारात में ना नाच लूं? वहां तो सामने से आंटी ऐसे करके आके 100 रुपए दे के जाएगी.
फिर डॉक्टर ने बोला ऐसा है लास्ट चीज तो अपना थायराइड चेक करा ले। तो मुझे पता नहीं था थायराइड है, अपन कॉमर्स स्टूडेंट। बोला यहाँ पे ग्लैंड होता है, यहाँ पे उससे ना फैट बढ़ता है। बोला ऐसा मैं जामना करूँ इसलिए मैं चूते मत काट फिर से। यहाँ पे ग्लैंड से इसका और इसका क्या लेना देना भाई, कल को तू बोलेगा मेरे नाखून में मैल इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है। मैं तेरे से बात नहीं करनी। मैं घर जाके सो गया, सपने में भगवान आए। शुरू से गलती हुई थी ना उनसे शुरू में, तो भगवान आए। मैं सो रहा था, भगवान ने आके उठाया ऐसे ऐसे करके, उठ मैं मत करो नाखून चुभ रहे हैं, भगवान लोग जूते नहीं पहनते नाखून भी नहीं काटते, मत करो। तो ऐसे ही भगवान नींद नींद में ना ऐसे बोले ये दिस विल टेक केयर ऑफ यू ऐसे बोल के गए। तो मैं सुबह ऐसे उठा ना तो मेरी गोद में सब चीज़ों का हल, ग्रीन टी। पर ये नहीं कि बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, ग्रीन टी में भी थोड़ी सी मेहनत है, उसमें ऐसे टिप 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 हाथ दुखता है बहुत। पर एक ग्रीन टी और एक बियर क्लैश, तब से सॉर्टेड। थैंक यू गाइस, माय नेम इज निशांत, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो जब तक मैं सिक्स पैक एप्स बना रहा हूँ तब तक वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एकदम वीडियो फैला दो, दोस्तों को टैग करो एकदम, जिसने नहीं किया अंडी मंडी संडी।